गुड मॉर्निंग टू क्लास 7। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर्स जो कि आप लोग का चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर है और उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक को लेकर आए हुए हैं विथ प्रैक्टिस। और आप लोग कल हमने 1 to 6 बनाया था और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे आई थिंक। तो आज हम लोग जो है 7 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट एक माइंड में आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना एकदम आसान है, एकदम सब्ट्रैक्ट करना 3 - 2 - 1, 5 - 2 - 3, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा इसमें क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत नहीं है, मैंने कह रहा हूं बहुत ये आपसे जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा आसान है। बस थोड़ा सा आप लोगों को माइनस इंटू माइनस ये प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस इंटू प्लस प्लस, ये बस बात को याद रखना है और कुछ खास बात नहीं है। थोड़ा सा देखिएगा 5 from -20, -20 में से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है, 5 माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस होता है और 5 हमने उतार दिया। दोनों सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन साइन सब्ट्रैक्ट का नहीं करेगा और 25 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है कि 5 from 20, 20 में से 5 को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 - 5 यानी 20 में से अगर 5 को घटाते हैं तो क्या आएगा आंसर, 15 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियरिफाई हो जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा 20 from -5 करना था, 20 माइनस और ये -5 बोलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस आप बोलेगा प्लस हो जाएगा, तो 20 और प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। -10 from -33 है। 8 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट -20 from the sum of 136 and -556। तो यहाँ पर सम बोला है, इसका क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। तो 136 प्लस माइनस 56 जोड़ दिए। अब इसको हम लोग करली ब्रैकेट में रख दिए और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन ये माइनस और ये -20 को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो -20 हम लोग लिख दिए हैं, तो 136 में 50 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 136 में से 56 कटेगा तो 80 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 80 में 20 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियरिफाई हो चुका होगा ये क्वेश्चन आप लोगों का। 8 क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, सिंप्लीफाई है, मैंने एक बनाया है और एक आप लोग के लिए छोड़ दिया है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर जो है कि माइनस माइनस क्या है, प्लस। यहाँ पर यह है कि 36 माइनस माइनस 9 प्लस माइनस -25, तो हम लोग क्या है, माइनस माइनस प्लस यानी 36 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस यानी 15 और 25 को हम लोग प्लस करें, तो इसको हम लोग प्लस किए तो 45 और इसको प्लस किए तो 40, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या क्या आंसर, 85। इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा घर पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -256 यानी दो इंटीजरों का जोड़ जो है वो -256 है। If one of the them is 180, यानी कि दो जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो x प्लस वाई जोड़ते हैं, यानी दो नंबर जोड़ते हैं, तो ये आ गया मेरा, ये नंबर दिया गया है, बात समझ आ रही है, ये -256 और इन दोनों में से कोई एक नंबर 180 है जिसको हम लोग रिलेट कर लेंगे कि हम x को मान लेते कि 180 है, आप y को भी मान सकते हो। तो x के जगह पर हम लोग 180 प्लस y -256 रखे हुए हैं, तो 180 जब बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों माइनस होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे और आपका y का जो वैल्यू आएगा वो -436 आएगा। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन पर जो है कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप अपने -450 रख लीजिए और यहाँ पर 300 कर लीजिए और आप इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे इसको ये जो ब्लैक्स लिखा हुआ है उसका क्वेश्चन का आंसर -436 है जो कि आपकी किताब का है। 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो ये कर रहा है कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7 यानी दो नंबरों को जोड़ने पर -7 आ जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि -8 + 1 ही प्योर -7 को कर सकता है, -3 - 4 भी -7 को कर सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सम हमको करना है। बात समझ आ रही है, -3 + इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं -4, तो इस तरह से -7 आ जाएगा। डिफरेंस बोल रहा है -10, तो डिफरेंस यानी अंतर, तो भाई डिफरेंस क्या क्या है माइनस में, तो जाहिर सी बात है कि 15 में से या आप 16 माइनस ये भी लिख सकते हैं तब भी आपका -10 आ जाएगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए कि जिसके बीच का अंतर 10 हो, लेकिन बड़ा वाला जो है साइन वो माइनस में होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ माइनस साइन रिजल्ट में बोल रहा है। तो आई थिंक कि आप लोग पूरा ये बात समझ में आ गया होगा, तो आप इसको और भी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है।